92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सहर कामिनी खन्ना के साथ। ओम शांताकारं शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगी भिद्र्यान गंभ्यं वंदे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोक ऐकनाथं। ओम सभी का दाता एक है, सभी एक ही शक्ति को पुकारते हैं, सबका खून लाल है और सबका ईश्वर एक। उस महान परमपिता शक्ति को बुलाने से वो खुद तो आठ हाथ लेकर या विचित्र रूप धरकर नीचे नहीं आती, बल्कि मदद के रूप में लोगों को आपके पास भेज देती है और आपको पता भी नहीं लगता कि आपके काम कैसे बन गए। उस समय आप सोचते हैं कि मेरे काम कैसे बने, आपको पता लगता है कि यही ईश्वर कृपा है जो लोग आपको मदद कर जाते हैं। अभी की इस बेला में, इस ब्रह्म मुहूर्त के गुजरते वक्त में और ईश्वर के सानिध्य में बैठे, मेडिटेशन का समय है, इस समय एक्सरसाइज योग का समय है, प्रभु में लीन होने का समय है। 92.7 बिग एफएम पर मैं कामिनी खन्ना इस दिन की देते हुए आपको मंगल शुभ मंगल बधाइयाँ, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। ये सुबह आपके लिए बहुत अच्छे संदेश लाए, मेरी सारी सकारात्मक ऊर्जाएं आपके लिए। आज 29/9/2016 गुरुवार है आज, और चंद्रमा सिंह राशि में देर रात तक फिर कन्या में प्रवेश कर जाएंगे। मासिक शिवरात्रि है, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है, रात 7:14 तक फिर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र शुरू हो जाएगा। आती हूँ थोड़ी देर में बताने के लिए आपको मेष से लेके मीन राशि तक का भविष्य। तब तक उस बंसी बजैया मुरलीधर को याद कर लीजिए, गोपाल को, ताकि आपकी ये सुबह उसकी बंसी की तान की तरह मधुर हो। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सहर कामिनी खन्ना के साथ। आदतें इंसान की छूटती नहीं और आदतों की वजह से बहुत मार खाता है इंसान। आपकी कोई ऐसी आदत है जिसकी वजह से लोग नाराज़ हो जाते हैं, आपको क्रोध बहुत आता है, आप किसी को कुछ उल्टा सीधा बोल देते हो और उसके बाद पश्चाताप करते हो, आपकी निर्णय लेने की शक्ति कमज़ोर हो गई। तो चलिए आज के बाद हम आदतों का जिक्र किया करेंगे और अपनी आदत कैसे छुड़वानी है, गलत वाली, उस पर ध्यान दिया करेंगे। सहर कार्यक्रम में मैं कामिनी खन्ना आप सभी प्यारे समझदार सुंदर भोले श्रोताओं के साथ इस दिन की देती हूँ आपको निर्मल कोमल मंगल बधाइयाँ, गुड मॉर्निंग बधाइयाँ जी, बधाइयाँ। कैसे हैं सब लोग आप? और अब तैयारी हो रही है आपकी बिल्कुल एकदम बाहर निकलने की, और आपने धरती को प्रणाम किया होगा, आपने माता पिता को प्रणाम किया होगा, गुरुओं का आशीर्वाद लिया होगा, तो सब कुछ ये करने के बाद अब आप तैयार हैं मेष से लेके कन्या राशि तक का भविष्य सुनने के लिए मेरे द्वारा। मेष राशि। सिंह राशि में चंद्रमा है आज, और सिंह राशि में जब चंद्रमा आते हैं तो क्या होता है, आपका माइंड कूल होता है, लेकिन यहाँ राहु के साथ चंद्रमा बने रहने की वजह से आप थोड़े से हो गए हैं बेचैन। और राहु के साथ जब चंद्रमा ग्रसित होता है तब इंसान को बहुत ज़्यादा पानी वगैरह पीना चाहिए। वैसे एक बात बता दूं आपको मैं कि अभी जो स्थितियां हैं वो कंट्रोल में हैं, क्योंकि मंगल शनि युति खत्म हो गई है और तुला का शुक्र आपको रिलैक्स रखता है, पत्नी या स्पाउस के कारण, पार्टनर के कारण। अभी भाग्य को उज्जवल करने के लिए आप बहुत धड़ाड़ी से एकदम जोर से काम कर रहे हैं। वृषभ राशि। वृषभ राशि के लग्न का स्वामी बहुत ज्यादा स्वस्थ है, लेकिन षष्ठ में है, उस वजह से बहुत ज्यादा असर अभी नहीं दे पा रहा, लेकिन जब सन्मुख आएगा थोड़े ही दिनों में, मेरे ख्याल से 13 को आ रहे हैं शुक्र वृश्चिक में, तब आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। अभी फिलहाल आपकी सद्बुद्धि कायम है, आपके बच्चे आपको बहुत सुख दे रहे हैं। मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए आपके बच्चों को यश मान सम्मान मिल रहा है और साथ में उनके एडमिशन वगैरह की जो प्रॉब्लम थी वो सॉर्ट आउट हो रही है। आप रोमांटिक हो रहे हैं, आपको जीवन साथी की जरूरत महसूस होती है वो पूर्ण होगी। इसके साथ आपको मैं बता दूं कि आपके जो कलाकार रूप हैं, जो आप कलाकार होना चाहते हैं, वो भी काम आपको ऑफर होंगे, आप काम ले लीजिएगा। कर्क राशि। कर्क राशि के लिए अपनी माता से पूर्ण सहयोग आपका, और साथ में आपको अगर वाहन खरीदना है तो वो भी आएगा, और आपकी माता भी गिफ्ट कर सकती है आपको ये वाहन। आपके मातहत लोग आपकी बहुत
सेवा करते हैं, आप उनके साथ अच्छा व्यवहार कीजिए, अपने दिमाग परेशानी बैठने के कारण गलत न कीजिए। सिंह राशि के लिए चतुर्थ में शनि आपकी माता की तबीयत खराब रखता है और अभी तो पिताजी आपके सपोर्ट में है फुल और आपके साथ काम कर रहे हैं, आपके काम के स्थान पर बहुत अच्छी स्थिति बनी हुई है। और आज चंद्रमा सिंह में तो आपके लग्न में आकर आपको चैन दिलवाता है, लेकिन बेचैन खुद रहता है राहु और बुध के साथ, इसलिए खूब सारा पानी पीजिए। कन्या राशि के लिए चंद्रमा सपोर्ट नहीं करता आज के दिन, तो बाकी ग्रहों का सपोर्ट जो है उस पर ध्यान दीजिए। पैसे आ रहे हैं, परिवार से आपको शांति है। इसके अलावा आपके बुध राहु जो द्वादश में बैठ के विदेश से रिलेटेड कारोबार की बात करते हैं आपके लिए, उस पर ध्यान देके वो काम बनाइए, ऐसा मेरा कहना है आपको। 92.7 बिग एफएम पर मैं कामिनी खन्ना मेष से लेके कन्या राशि तक का भविष्य बता रही थी। आती हूँ थोड़ी देर में बताने के लिए आपको तुला से लेके मीन राशि तक का भविष्य। तब तक के लिए अब गोपाल को तो हमने याद कर लिया था, अब उन्हीं विष्णु के अवतार राम का भी गुणगान कर लें ताकि पूर्ण रूप से विष्णु का गुणगान हो जाए। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सहर कामिनी खन्ना के साथ। जिक्र छिड़ा था आदतों का और आदत के ऊपर मैंने एक मिसाल लिखी थी अपने किसी किताब में, और मैंने लिखा था कि ए आदत, तू मेरी आदत है, मैं तेरी आदत नहीं। मैं किसी भी वक्त तुझे अपने शरीर से, अपने माइंड से निकाल सकती हूँ और अपने आप को स्वस्थ कर सकती हूँ। तो आप भी समझ लीजिए कि आपकी आदत की वजह से कहीं दूसरे परेशान तो नहीं होते, कहीं ऐसा तो नहीं है आपकी आदत आपको बहुत नुकसान दे रही है। मैं कामिनी खन्ना सहर कार्यक्रम में इस दिन की आपको देती हूँ मंगल बधाइयाँ, शुभकामनाएं। गुड मॉर्निंग एंड वेरी 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 गुड मॉर्निंग। तुला से लेके मीन राशि तक का भविष्य जान रहे थे हम। तुला राशि, अब तुला राशि में लग्न में शुक्र और वृश्चिक का शनि जो इनकी जुबान की वजह से इनको परिवार में असंतोष लाता है, तो सबसे पहले याद रखिए कि घर ही से चैरिटी शुरू होती है, तो सबसे पहले घर में बुरा बोलना छोड़िए, शांति से बात कीजिए और साथ में जो पैसे आ रहे हैं उनको समेट के उनको व्यवसाय में कहीं लगाइए ताकि आगे चल के आपको किसी प्रकार की पैसे की तंगी ना हो। वृश्चिक राशि के लिए अभी आपका बिजनेस बहुत बड़ा हुआ है, उस पर ध्यान देके कॉन्सेंट्रेट करके बिजनेस को ग्रैब कीजिए। साथ में जुबान आपकी तीखी हो रही है, मैं नहीं कहूँगी आप कड़वे बोल रहे हैं, लेकिन आप गलत सोचते हैं परिवार वालों के लिए इन दिनों, तो आपको गलत नहीं सोचना है, वो आपका कुछ बुरा नहीं कर रहे हैं, सब आपको सपोर्ट करते हैं। और पैसे के लिए आपको पैतृक संपत्ति से लाभ होने जा रहा है। धनुराशि के लिए आपके लग्न का स्वामी अब बहुत स्वस्थ है दशम में, लेकिन पूरी तरह काम नहीं मिल रहा आपको, तुला का शुक्र दे जाएगा आपको पैसा और ऐसे लोगों का सपोर्ट जो आपको माइंड से शांति देंगे। और भी मैं बता दूं, आपके अगर बच्चे आपका सपोर्ट बनते हैं तो वो भी बहुत बड़ी बात होगी। मंगल आपके लग्न में छाकर आपको गुस्सा दिलाता है, लेकिन आप इन दिनों बहुत पायस हुए आपको समझ में आ रही सारी बातें, तो आप गुस्सा खा के भी गुस्सा नहीं खा रहे हैं। गॉड ब्लेस यू, भाग्यवर्धक दिन है। मकर राशि के लिए भाग्यवर्धक दिन आपके लिए भी, और जो पैसे रुक गए हैं और जो बिल्कुल ही कहते हैं ना ऐसे पैसे को कैसे जैसे डक्का लग जाता है, खत्म हो जाते हैं, ऐसी कोई स्थिति है आपके साथ, उस स्थिति से बचने के लिए आपको करनी है शिव जी की पूजा, आपको काले तिल डाल के पानी में और शिव जी को जल चढ़ाना है। और वैसे काम की स्थिति अच्छी है, अगर कोई काम ऑफर करता है तो मना मत करिएगा, काम ले लीजिएगा। कुंभ राशि के लिए आपके लग्न का स्वामी अभी अस्वस्थ है, 24 जनवरी के बाद स्वस्थ है, लेकिन उससे पहले आप भी कर सकते हैं माँ काली या कृष्ण की पूजा और अपने जितने संकल्पों को आप सिद्धि दे सकते हैं। आपके अष्टम में सूर्य गुरु आपको सपोर्ट नहीं करते, इतने पावरफुल सूर्य गुरु होने के बावजूद, तो वो आपको तबीयत के लिए वार्न करते हैं, तो वो आप देख लीजिए कि पेट की परेशानी ना हो, हड्डियों से रिलेटेड कोई परेशानी ना हो, दांत से, राइट आंख से, स्कल से रिलेटेड सब एक साथ ही सूर्य के कारण है और भाग्यवर्धक दिन चल रहे हैं। मीन राशि, आपके अष्टम में तुला का शुक्र आपको रोमांटिक बनाता है, हालांकि कोई सपोर्ट नहीं उससे, और अभी जो भाग्य आपका रुका हुआ है, आपको पैसे की तकलीफ लगती है, बट मुझे ऐसा लगता है कि आप महसूस ज़्यादा करते हैं पैसे के लिए, और उतना नहीं, पैसे को मैनेज करके चलिए आप, पैसे को मैनेज करेंगे तो पैसा आपका टिकेगा। और जो आपकी प्रेमी प्रेमिका से संबंध बिगड़े हुए हैं उसमें आपको खुद आगे चल के सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। 92.7 बिग एफएम पर मैं कामिनी खन्ना बता रही थी, मैं इससे लेके मीन राशि तक का भविष्य आती हूँ थोड़ी देर में बताने के लिए आपको एक एस्ट्रोलॉजिकल टिप। ये मैं कई बार कहती हूँ कि ये शरीर ही एक मंदिर है और आत्मा ही परमात्मा है, लेकिन एक थॉट कुछ ऐसा भी है कि जो मैं भजन सुना रही हूँ आपको, वो भी सुन लीजिए।
92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सहर कामिनी खन्ना के साथ। चर्चा चल रही थी आदतों की, और आदत फ्रूट खाने की भी होती है, तो आदत मत छोड़िएगा फ्रूट खाने की। फ्रूट खाते रहना है, खाते रहना है, खाते रहना है, बल्कि ऐसा फ्रूट खाना छिलका विलका निकाल के। आजकल दवाइयाँ पेस्टिसाइड्स वगैरह बहुत ज़्यादा रहती हैं और उसकी वजह से कई तरह की भ्रांतियाँ भी हैं सब जगह, तो प्लीज़ ज़रा छिलका विलका उतार के खाइए, बट खाइए ज़रूर। फ्रूट बहुत अच्छा होता है, बहुत सारे मिनरल्स विटामिन्स मिलते हैं फ्रूट से। और एस्ट्रोलॉजिकली फ्रूट कैसे रिलेट कर रहा था, मैं कामिनी खन्ना शायर करके मैं बताऊँगी। बधाइयाँ तो दे दो इस सुबह की, और फ्रूट खाने के बाद तो और बधाई दूँगी आपको कि आपने कुछ पाया है जीवन में। ठीक है, बात हम कर रहे थे फल की और ग्रह की, तो लीची की बात करते हैं। अभी छोटा सा फल है ये, और सीजन वाइज आता है, बार बार नहीं आता। ये लीची ऊपर से ब्राउन होती है, अंदर से वाइट होती है। ये राहु और चंद्रमा दोनों का इलाज करती है, बड़ी गर्म होती है स्वभाव में ये, और जब हम खाते हैं तो बहुत सारे विटामिन्स की पूर्ति होती है। इस लीची से ताकत महसूस होती है, पेट की प्रॉब्लम खत्म होती है, और राहु जो है आपके पेट की प्रॉब्लम से रिलेट कर रहा था। तो देखिए लीची से क्या मज़ा आता है खाने में, और लीची मीठी हो तब तो और भी मज़ा आता है। 92.7 बिग एफएम पर मैं कामिनी खन्ना बता रही थी लीची का राहु और चंद्रमा से रिलेशन। कल फिर मिलूंगी इसी कार्यक्रम में जिसका नाम है सहर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार। आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे ट्विटर हैंडल 927 बिग एफएम पर, और जल्द ही मैं आपके रूबरू होने की भी कोशिश करूंगी। तब तक के लिए बिल्कुल रिलैक्स रहना है, कामिनी खन्ना जरूर आपके बीच आएगी। मैं आपकी दुख की भी साथी और सुख की भी साथी हूँ। ओके, अब ये आने वाला जो भजन है वो कहता है कि सुख के सब साथी और दुख में ना कोई, लेकिन मैं आपके दुख और सुख दोनों की साथी हूँ। मैं आपकी दोस्त हूँ ना। कल फिर मिलूंगी।